भाग 34। समय ने आगे बढ़ आरजे की बाजू पकड़ उसे उठाया। तुम्हें किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, हम मीडिया के सामने जाएंगे। आरजे सिर्फ जमीन को ताक रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसकी वजह से न जाने आगे कितने ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आयुध ने कहा, हम मीडिया के सामने नहीं जा सकते, अगर उन्हें पता चला तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा, वो आरजे को देवी बना देंगे। क्या तुम ये चाहते हो? कार्तिक को अचानक कुछ खटका। वो किताब कहाँ है? सबकी नजर अब शिवांगिनी पर जा अटकी, जो अब हंसने लगी थी। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अगर परिजात मुझे नहीं मिला तो आरजे कम से कम दुनिया को तो तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने एक आदमी के जरिए वो किताब दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल JVR तक पहुंचा दी है। अगर वो उन्हें मिल गई होगी तो मीडिया किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएगी। मेरी जिंदगी तो अब नहीं रहेगी, पर तुम्हारी जिंदगी भी मैं कभी सुकून से नहीं कटने दूंगी। इतना कहे उसने अपने हाथ से आयुध का चाकू निकाला और बिना देर किए अपनी गर्दन पर घोंप दिया। वो वहीं गिर पड़ी, शायद वो अब मर चुकी थी। आयुध और कार्तिक ने अपना सिर पकड़ लिया। आरजे की पूरी टीम पैनिक कर रही थी, पर आरजे बिल्कुल शांत खड़ी थी और जमीन को ही घूरे जा रही थी। समय भी अब परेशान हो चुका था क्योंकि अब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जा चुकी थी। आरजे की टीम भी पैनिक कर रही थी। सिमी बोली, भाग जाते हैं आरजे यहाँ से, इससे पहले कि मीडिया यहाँ पहुंचे। उसने अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत बात कही थी, पर इस वक्त उसे आरजे के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उर्वेन और बाकी सब ने भी सिमी की बात का सपोर्ट किया। अर्की बोला, प्लीज आरजे ऐसे चुप मत रहो, हमें डर लग रहा है, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, प्लीज आरजे चले जाते हैं हमेशा के लिए। समय चिल्लाया, उन्हें ये पता है कि वो निशान वाली लड़की आरजे है। अब सब चुप हो गए क्योंकि उसमें कहीं भी आरजे का नाम नहीं था, उस किताब में सिर्फ उस निशान का जिक्र किया गया था। समय ने आरजे की गर्दन की तरफ देखा, गर्दन पर जलने के दागों की वजह से वो निशान लगभग छुप गया था। बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर ही वो निशान साफ दिखाई दे सकता था। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने हमेशा अपने दागों को छुपाया है, पर आज इन्हीं दागों ने तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी इस निशान को छुपा लिया है, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। और रही बात सवालों की, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े झूठ बोलने होंगे। भलाई के लिए बोला गया झूठ कभी झूठ नहीं माना जा सकता। आरजे ने अपनी नजरें उठा समय को देखा। मुझे इस निशान की फिक्र नहीं है समय, पहले भी बहुत सारे लोग परिजात को ढूंढते हुए मारे गए हैं, शायद अब मैं बच जाऊं, पर वो लोग तो फिर भी परिजात को ढूंढेंगे, पता नहीं कितने ही लोग इस कहानी के पीछे आएंगे, मेरी वजह से लोग मारे जाएंगे समय। अब सबकी आंखें नम पड़ चुकी थी क्योंकि ये बात सच थी, वो भी तो परिजात के पीछे ही आए थे, और शिवी और आर्यन भी तो परिजात की इस कहानी में अपनी जान गंवा चुके थे। किशोर और जयश्री को भी परिजात के लिए ही अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आरजे के असली माँ बाप कहाँ गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं, शायद हो ना हो इसका संबंध आरजे से ही था, पर इसका पता कभी किसी को नहीं चल पाएगा। अचानक स्वरूप ने अपनी पूरी ताकत से अपनी रस्सियों को तोड़ लिया और एक बंदूक उठा लगातार दो गोलियां आरजे की तरफ दागी, पर उर्वेन ने उसे ऐसा करते देख लिया था, वो सीधा आरजे के सामने आ गया और वो गोलियां उसे लग गईं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले स्वरूप ने उन सब पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। सबको गोलियां लग चुकी थीं। आरजे घुटनों के बल नीचे गिर पड़ी, उसके पेट और सीने से खून बह रहा था। समय, आयुध, कार्तिक, नंदिक, उर्वेन, अर्घ, यूनी, मानसा सब नीचे गिर चुके थे। सिमी लड़खड़ाते कदमों से आरजे की तरफ बढ़ गई, उसके सीने पर भी गोलियां लग गई थी। स्वरूप बुरी तरह हंस रहा था। अब परिजात की शक्तियां मेरे पास होंगी। सिमी घुटनों के बल गिर पड़ी। आरजे ने नम आंखों से सिमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सब खत्म हो गया। सिमी की आंखों में आंसू आ गए। तभी मीडिया भागते हुए वहां पहुंची। सिमी के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आरजे मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसका हाथ अभी भी सिमी की तरफ बढ़ा हुआ था। सिमी ने आरजे का हाथ थाम लिया। उसका सिर अचानक तेज घूमने लगा और बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी।
मीडिया वालों ने स्वरूप को पकड़ लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्वरूप के सिर पर धर्मशाला पर लटक रहा झूमर गिर चुका था। उसके नीचे कुछ मीडिया वाले भी दब गए। सिमी ने कहा, हमने सब खो दिया आरजे। आरजे अंत तक उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिमी का शरीर अब ठंड में अकड़ने सा लगा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, सिमरन, जैसे कोई जोर जोर से चिल्ला रहा हो। सिमी अचानक टेबल से गिर पड़ी। एक पतली और सुंदर सी लड़की जो राव्या जुयाल की किताब आरजे लाइफ पढ़ते हुए टेबल पर ही सो गई थी, और अब अचानक अपना नाम सुन वो नींद में चिल्लाई, कौन चीख रहा है? गोली लगी है मुझे, मर रही हूँ मैं, सबको मार तो दिया। अचानक उसे ठंड लगने लगी तो उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक आलीशान रूम में पाकर हैरान ही रह गई। चारों तरफ उसकी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए थे। सिमरन की अभी अभी रिलीज हुई फिल्म दिलवाले 2.0 रीमेक यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, और उसके फैन उसके घर के बाहर खड़े उसका नाम चिल्ला रहे थे। सिमरन ने अपनी आंखें मसली, मैं तो सपना देख रही थी, हे भगवान, मैं इस कहानी को पढ़ते पढ़ते इसे सच मान बैठी। इस कहानी की उन लालची लोगों की तरह जिसे परिजात चाहिए था, पर मैं तो लालची नहीं हूँ, बस कंफ्यूज्ड हो गई थी। उसे फिर से ठंड का एहसास हुआ। ये एसी भी ना, मैं कितनी बार इसे कम करती हूँ, पता नहीं इसका टेम्परेचर बार बार बढ़ क्यों जाता है। कल ही किसी को कहकर यहाँ नया एसी लगवाऊंगी। सिमरन अपनी महंगी नाइट ड्रेस को सही करते हुए खड़ी हुई और एक नजर उस किताब की तरफ डाली। लाइफ में एक बार तो राविया से मिलना है मुझे। आखिर कितने सवाल छोड़ दिए उसने इस कहानी में। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, अगर इतने सवाल ना होते तो मैं बाकी बुक्स की तरह इसे भी पढ़कर लाइब्रेरी में सजा देती, पर फिर भी सवालों के जवाब तो देने ही थे। सिमरन ने खुद से ही बात करते हुए अपना मुंह बना लिया। अचानक उसकी नजर उसकी पुरानी तस्वीर पर गई जो वहीं टेबल पर रखी हुई थी, जिसमें वो एक गोलू मोलू लड़की हुआ करती थी। उसने नम आंखों से उस तस्वीर को छुआ। मैं इस पहचान को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ, बहुत मेहनत और वक्त लगा है सिमी को सिमरन बनने में। मैं फिर कभी लोगों को अपना मजाक उड़ाते नहीं देख सकती। सिमरन सामने की तरफ बालकनी में आई जहाँ लाखों फैंस उसकी एक झलक का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो देखी सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। सिमरन ने एक फीकी सी मुस्कान दी, अगर मैं पहले वाली सिमी होती तो यही लोग मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट कर देते। सिमरन ने बेमन से झूठी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ हिलाया। कुछ लड़के तो सिमरन से मिलकर उसका हाथ पकड़ने को इतना उत्साहित थे कि उनका बस चलता तो दीवार फांद कर या उड़कर सिमरन के पास चले आते। तभी सिमरन का भाई राहुल भागता हुआ अंदर आया। दी, सुनो दी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिमरन बालकनी से हट गई तो उसके फैंस का मुंह ही लटक गया। गार्ड्स ने उन्हें इधर उधर धकेल दिया। सिमरन अपने रूम में आई। क्या हुआ? राहुल बोला। दी वो, राहुल अपने बाल खुजलाने लगा। तभी सिमरन की मम्मी अमिता और उसके पापा सुमित अंदर आए। सिमरन ने कहा, क्या हुआ? अमिता बोली, वो बेटा, मेरी एक दोस्त है, कैलिफोर्निया में रहती है, उसके बेटे की सगाई है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी हमारे साथ चलो। सुमित बोले, अगर तुम्हारी कोई शूटिंग है तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। सिमरन मुस्कुराई, क्यों नहीं जाऊंगी, इतनी मुश्किल से तो आपके साथ थोड़ा वक्त बिताने को मिलता है। उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राहुल बोला, थैंक यू दी, मुझे लगा था हमेशा की तरह आप इस बार भी शूटिंग में बिजी होने की वजह से हमें मना कर देंगी। सिमरन ने मुंह बनाया, नहीं करूंगी। अब ये तो बताओ जाना कब है? राहुल चिल्लाया, अभी, मम्मा ने पहले ही हमारी टिकट बुक कर दी थी। सिमरन ने उन्हें घूरा, अगर मैं मना कर देती तो? अमिता ने अपना गला साफ किया, हमारी जो मुंबई वाली पड़ोसन है ना अलका, वो भी कह रही थी उसे कैलिफोर्निया घूमना है, तो उसे साथ ले जाती। सुमित बोले, अगर वो भी नहीं जाती तो मेरा भी दोस्त घर ही बैठा रहता है, मैं उसे ले जाता। राहुल ने यही सब कहने के लिए अपना मुंह खोला तो सिमरन ने उसे अपना हाथ दिखा दिया। कोई जरूरत नहीं है, पता है तुम क्या बोलने वाले हो,
अब मैं चल रही हूँ ना, तो सिर्फ हम जाएंगे। वैसे किसकी शादी है? वो मुस्कुराई। राहुल ने अपना सिर पकड़ लिया। शादी नहीं, एंगेजमेंट दीदी, आप फिर भूल गईं। सिमरन ने राहुल के कान खींचे। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, एंगेजमेंट हुई है तो शादी तो होनी ही है, बुद्धू। उसने खुद का बचाव किया। राहुल बोला, ठीक है दीदी, मान गया, अब तो छोड़ दो। अमिता और सुमित हंस दिए। अमिता ने कहा, वहीं जाकर देख लेना, अब चलते हैं, हमारी तो पैकिंग हो गई, अब तेरी पैकिंग करने में मदद कर देते हैं, फिर निकलना भी तो है, तभी तो कल सुबह तक कैलिफोर्निया पहुंचेंगे, वहां तेरे लिए कोई लड़का पसंद आ गया तो। ये सुन सिमरन ने मुंह फुला लिया। मैं इतनी जल्दी किसी लड़के को पसंद नहीं करने वाली, मीडिया ने मुझे उसके साथ जोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अमिता उसके कपड़े पैक करते हुए बोली, मीडिया सीडिया जोड़ती रहेगी, तू चुप बैठ। कोई लड़का पसंद आया तो अब मीडिया से पूछकर शादी थोड़ी करनी है। अमिता ने अपने मन की बात रखी। सिमरन ने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ ही वक्त में अमिता ने उसके एक दो जोड़ी कपड़े अच्छे से पैक कर लिए। हम एंगेजमेंट के बाद भी एक दो दिन रुकने वाले हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कपड़े रख रही हूँ। अमिता ने कुछ सर्वेंट्स को बुलाया और सामान को कार में रखने के लिए कहा। सर्वेंट सामान लेकर चले गए। पीछे पीछे सिमरन, राहुल, अमिता और सुमित तैयार होकर नीचे आए। उन बॉडीगार्ड्स ने फैंस को साइड किया, पर ये काफी मुश्किल था। किसी तरह उनके बीच से कार निकली तो कुछ फैंस दो ऑटोग्राफ के लिए कार के पीछे तक भाग पड़े। सिमरन पूरे टाइम उस किताब और राव्या के बारे में ही सोच रही थी। एयरपोर्ट पर भी इसी तरह उसके फैंस ने उसे घेर लिया। सिमरन ने ना चाहते हुए भी झूठी मुस्कान के साथ उन्हें ऑटोग्राफ दिया और फोटो खिंचवाने लगी। अमिता और सुमित बिल्कुल साइड खड़े सिमरन के आने का वेट कर रहे थे। राहुल तो बिल्कुल उदास ही हो गया था। पापा, दीदी के फैंस कब जाएंगे और कब दीदी हमारे साथ जाएंगी? हम दीदी के साथ कहीं अकेले जा ही नहीं सकते, अब अगर हमारी फ्लाइट छूट गई तो हम टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। सुमित ने गहरी सांस ली। मैं जानता था ऐसा ही होने वाला है, इसलिए एक घंटा पहले एयरपोर्ट पर आया। चिंता मत कर, आ जाएगी, हमारी फ्लाइट मिस नहीं होगी। सिमरन की सारी एनर्जी फोटो खिंचवाते और ऑटोग्राफ्स देते हुए ही निकल गई थी। अब धीरे धीरे सब फैंस जाने लगे थे, उनकी भी फ्लाइट्स थी। उनसे फ्री हो सिमरन जल्दी से अमिता और सुमित के पास गई। सॉरी पापा, हम कहीं लेट तो नहीं हो गए? नहीं बेटा, अभी भी आधा घंटा बाकी है, हमारी फ्लाइट मिस नहीं होगी, सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिमरन ने सुकून की सांस ली। कुछ ही देर में वो फ्लाइट के अंदर थे। जब तक फ्लाइट ने लैंड नहीं किया, सिमरन ने अपनी आंखें नहीं खोली। थकावट की वजह से उसे नींद आ गई थी। कैलिफोर्निया की सबसे महंगे हॉल को काफी अच्छे से सजाया गया था। मीडिया भी वहीं थी। कुछ मेहमान अपने अपने टेबल पर बैठ एंगेजमेंट शुरू होने का वेट कर रहे थे। वेटर उन्हें ड्रिंक सर्व कर रहे थे। सिमरन ने जैसे ही हॉल में कदम रखा, कुछ रिपोर्टर्स उसकी तरफ बढ़ गए। राहुल, सुमित और अमिता ये जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है, तो वो अपनी तरफ से कोई टेबल ढूंढ आराम से उस पर जम गए। सिमरन उन्हें इंटरव्यू दे ही रही थी कि तभी उसकी नजर जीविका पर पड़ी, जो एक आदमी के साथ अमिता की टेबल पर आकर बैठ गई थी। वो अमिता से बहुत घुल मिलकर बातें कर रही थी। तभी स्टेज पर लाइट ऑन हुई। आयुध, आर्यन और समय के साथ स्टेज पर आया। वो इस वक्त काफी खुश दिख रहा था। सिमरन की आंखें चौड़ी हो गई। उसने मीडिया को छोड़ जल्दी से अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। तभी वो किसी से टकरा गई। कौन है? सिमरन ने बिना देखे गुस्से में कहा। उर्वेन जुयाल, नाम तो सुना होगा। सिमरन ने ये सुन ऊपर की तरफ देखा तो वो काफी हैरान रह गई। सामने उर्वेन खड़ा था, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। तभी अर्घ्य, यूनी, मानसा भी उसके पास आ गए। क्या हुआ उर्वेन? सिमरन को अब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक कर कहानी के किरदार जिंदा हो रहे थे। ये कैसे हो सकता है? जिसे मैंने इमेजिन किया, उस कहानी के किरदारों के रूप में सेम नाम और सेम शक्ल के साथ मेरे सामने खड़े हैं। उसने अपनी आंखें मस ली, ये सोच कि कहीं वो अभी भी सपना तो नहीं देख रही। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो चार उसकी बेवकूफी देख उस पर हंस रहे थे। सिमी का मुंह बन गया। मतलब ये सब सच है? अर्घ्य बोला। क्या सच है, हम? उर्वेन ने कहा, नहीं, सच नहीं है हम, आपको विश्वास नहीं हो रहा।
मानसा बोली, मुझे भी नहीं हो रहा, तुम पक्का गायब हो गए हो। मानसा ने उर्वेन का मजाक उड़ाया तो उर्वेन ने मुंह फुला लिया। तुम्हारी तो मैं राव्या से शिकायत करने वाला हूँ, एक वही है जो तुम्हें चुप करा सकती है। राव्या का नाम सुन सिमरन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तुम राव्या जुयाल की बात कर रहे हो, आरजे लाइफ की ऑथर? यूनी बोली, हाँ तुमने भी उसकी किताब पढ़ी क्या? सिमरन खुशी के मारे उछलने लगी। पढ़ी नहीं, जी है मैंने, ऐसा लगा जैसे उस कहानी का हिस्सा मैं भी थी। तभी किसी की मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। वैसे आपकी फिल्म दिलवाले 2.0 मैंने भी देखी और मुझे बहुत पसंद आई। सिमरन उस तरफ मुड़ी, आर्यन स्टेज से उतर उसके सामने खड़ा था। आप काफी सुंदर लग रही हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिमरन बस उसे हैरानी से देख रही थी। तुम भी, उर्वेन ने कहा। सुंदर? मुझे तो मोटी लग रही है। अब सिमरन को गुस्सा आ गया था, उसने खुद को ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम्हारी सोच मोटी है, मैं नहीं, आर्यन बोला। बिल्कुल, आप कहाँ मोटी हो। सिमरन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अचानक अमिता ने उसे पीछे खींचा। ये मेरी बेटी है। सामने जीविका खड़ी थी, जिसे देख उसे कहानी वाली जीविका याद आ रही थी। वो काफी गुस्सैल थी, उसे देख ही वो काफी डर गई। अमिता बोली, ये जीविका है मेरी सबसे अच्छी दोस्त, हमने अपना स्कूल एक साथ ही कंप्लीट किया है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो विदेश में आ गई। और ये इनके पति रुहीन जैन। सिमरन अचानक ही बोल पड़ी, इन्होंने तो सुसाइड कर लिया था ना। अमिता ने सिमरन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। जीविका और रुहीन अब थोड़े गुस्से में थे। रुहीन बोले, मेरी जिंदगी काफी खुशहाल है, मैं सुसाइड क्यों करूंगा बेटा। रुहीन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जीविका बोली, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। अमिता बोली, ये बहुत मजाकिया है, इसकी स्क्रिप्ट में किसी और रूहीन ने सुसाइड किया होगा और इसने आपको बोल दिया। सॉरी बोलो अंकल से, अमिता ने सिमरन को डांटा। सिमरन ने मुंह लटका लिया, सॉरी अंकल। तभी एक बच्चा दौड़ते हुए उनके बीच से निकला। स्वप्न, यूनी उसे दौड़ते देख चिल्लाई। तो वो बच्चा रुक गया, सिमरन का ध्यान उसी पर ही था। वो बच्चा मुस्कुराते हुए पलटा तो सिमरन ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। चिंटू, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। जीविका बोली, चिंटू बेटा स्वप्न नाम है इसका, यूनी का बेटा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, सबके चेहरे पर मुस्कान ला देता है। उसने दूर से ही उसकी बलाइयां ली। सिमरन को तो अब चक्कर से आने लगे थे ये सब देखकर, इसलिए वो वहीं चेयर पर बैठ गई। यूनी स्वप्न के पास आई, तुम दौड़ा मत करो, गिर गए तो लग जाएगी ना बच्चे। चिंटू सिर्फ मुस्कुरा दिया। तभी किसी ने चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। मेरा बच्चा है, गिरेगा तो उठने की ताकत भी रखता है। सिमरन ने उस तरफ नजर दौड़ाई तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इंस्पेक्टर कार्तिक, मम्मी, रुहीन बोली। यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स में से एक हैं, यूनी और कार्तिक। पहले मुझे ये दोनों थोड़े कम पसंद थे, फिर जब इनका प्यार देखा तो। रुहीन की आंखें नम हो गई। जीविका बोली, आप भी ना बड़े इमोशनल टाइप हो, आपके बेटे की एंगेजमेंट है, आपको खुश होना चाहिए। रुहीन मुस्कुरा दिया, तुम ना हो तो मेरा क्या हो। जीविका और रुहीन स्टेज की तरफ चले गए। राहुल सिमरन को इतना परेशान देख पूछ बैठा, क्या हुआ दीदी, हाउ, इतनी हैरान परेशान क्यों हो। सिमरन कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, उसने एक वेटर से जूस लिया और राहुल को पकड़ा दिया। तू ये पी, ज्यादा मत सोच, राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। इतना कह सिमरन स्टेज की तरफ बढ़ गई जहां सब खड़े थे। अगर ये सब यहाँ है तो आरजी भी होगी, मुझे उसे देखना है। वो स्टेज की एक तरफ आकर खड़ी हो गई। उर्वेन जो समय से कुछ बातें कर रहा था उसका ध्यान सिमरन की तरफ गया। बाकी मेहमानों के साथ बैठने में तुम्हारे पैर दर्द कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ घरवाले ही अलाउड हैं, दूर की दोस्त की बेटी नहीं। आर्यन ने उसे रोक दिया। प्लीज यार, तुम्हें इसकी फिल्में पसंद नहीं तो ऐसे उसकी इंसल्ट तो मत करो, उसे बुरा लगेगा। सिमरन ने उर्वेन को घूरा पर जब आर्यन की बात सुनी तो उसने मुस्कुराते हुए अपने बाल कान के पीछे कर लिए। मेरी इमेजिनेशन में भी आर्यन कितना अच्छा था और रियल में भी,
और ये उर्वेन, इसे तो मेरी इंसल्ट करने का बहाना चाहिए।